मनाई गई अंबेडकर जयंती। स्थानीय अंबेडकर भवन में बड़े ही धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को मालाएं पहनाई गई, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ भी ली गई। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इन चीजों को। साथियों, भी आपने माननीय रघुवर साहब के विचार सुने, समय दिया, इसलिए मैं आयोजन समिति की तरफ से साहब का बहुत बहुत तहे दिल से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। चूंकि अब साहब को जाना है, मैं मंच पर बैठे उपस्थित साथियों से भी और हमारे और सोचना जरूर होगा। मैंने यूरोप की हिस्ट्री भी पढ़ी है और कई प्रकार की जो अन्य देशों के बारे में पढ़ा, और आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, इतिहास है उसमें काले और गोरों का जो भेद था वो सब आपने पढ़ा। हम लोग यदि आप शिक्षा ग्रहण कर लें तो उनका समाधान होने की चाबी हमारे पास मिल जाए। वो शिक्षा से वंचित हो रहे होते हैं। यदि व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो उसके बाद में नौवीं और दसवीं प्रतिज्ञा बड़ी इंटरेस्टिंग भी, इम्पोर्टेंट भी। नौवीं प्रतिज्ञा में वे कहते हैं, ताली मत बजाइए, सुन लीजिए। नौवीं प्रतिज्ञा में वे कहते हैं कि मैं मानव की समानता में विकास करूंगा, और दसवीं प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मैं मानव की समानता के लिए प्रयास करता रहूंगा। मानव 22 में से दो बिंदुओं पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया, समानता और समानता का मैं प्रयास भी करता रहूंगा। समानता में न सिर्फ विश्वास रखूंगा बल्कि प्रयास भी करूंगा, और उसके साथ उन्होंने तीन चेतावनियां दी थी। एक चेतावनी उन्होंने ये दी थी जो मैं बता चुका कि संविधान का